हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार क्विक और बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी, वो है बादाम अंजीर वाला दूध। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। बादाम दूध बनाने के लिए मुझे चाहिए ये 15 से 16 आलमंड्स है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और अब जस्ट मैंने इसको पील को निकाल दिया है। और मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 कैश्यू नट्स। और यहाँ है मेरे पास अंजीर, ये 4 अंजीर है जिसे मैंने भिगो के रखा था। और यहाँ पे है कार्डमम इलायची, जिसे मैंने जस्ट 4 कार्डमम है जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और है 6 से 7 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलमंड्स को ग्राइंडर में डाल देंगे, साथ ही ले लेंगे ये 4 कैश्यू। मैं डालूंगी इसमें 1.5 कटोरी जितना पानी। अब हम पूरे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पूरा का पूरा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी, गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने गैस में एक पैन को चढ़ा दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें हमारी ये बादाम और काजू का दूध। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे छान के भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी केसर और डाल दूँगी 2 से 3 इलायची के टुकड़े। सोक्ड अंजीर को छोटा छोटा कट कर लिया है, इसे भी हम इसी स्टेज में डाल देंगे। अंजीर का ही पानी है जिसको मैंने सोक करके रखा था, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम धीरे धीरे दूध को चलाएंगे, ये हल्की हल्की देखिएगा धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। इसमें एक बहुत बढ़िया सा एक उबाल आ गया है। इसी स्टेज में हम डाल देंगे ये खांड, ये 1 बड़े चम्मच जितना खांड है। आप अगर खांड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करके। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 मिनट तक ही पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है और दूध भी गाढ़ी हो गई है। आप सेंटर से देख सकते हैं कितने गाढ़ी बबल्स इसमें उठ रही है। अब इसी स्टेज में हम कर लेंगे गैस बंद और कर लेंगे सर्व। अगर आपको वीकनेस रहती है या मसल क्रैम्प्स रहते हैं, रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, तो ज़रूर इस दूध को ट्राई कीजिए। ये बहुत ही एक रिलिश टेस्ट है, बहुत रिच टेस्ट है इसका और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे हल्का हल्का गर्म करके आप सिप सिप करके पीजिए रात को सोने से पहले, आपकी हर प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी, स्पेशली मसल क्रैम्प्स, और नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी। तो मैं फिर से मिलूंगी आपके पास इसी टाइप की एक रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।